भाई आज की इस वीडियो को देखकर आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। सो आप लोग ध्यान दोगे कि जब नई वाली टाटा सफारी लॉन्च हुई थी तब वहाँ पर बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि यह 4x4 और टाटा सफारी का बहुत ही तगड़ा नाता था, लेकिन टाटा वालों ने हटा दिया था। और ऑल्सो टाटा हैरियर इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी पावरफुल गाड़ी, इतनी मस्कुलर गाड़ी, वो भी बिना 4x4 के मज़ा ख़राब कर देती है। तो फ्री सारी बातें कस्टमर्स को काफ़ी डिसअपॉइंट करती थी। सो शायद टाटा वालों ने आप सबकी सुन ली है, क्योंकि जो टाटा मोटर्स के हेड हैं शैलेश चंद्र जी, उन्होंने PTI के साथ खुद इंटरव्यू में कहा था कि जी हाँ, हम अपनी कुछ SUVs में 4x4 कंसीडर करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म की है कि टाटा वाले अपनी डीजल SUV में 4x4 नहीं देंगे, टाटा वाले अपनी इलेक्ट्रिक SUVs में 4x4 देने वाले हैं। एंड टाटा वालों का 2026 तक का प्लान है कि 2026 तक वो लोग 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर देंगे, जिसमें से हैरियर EV एंड सफारी EV भी होगी, और ऐसी वैसी नहीं होगी, 4x4 के साथ होंगी। और भाई इस वाली वीडियो का जो लाइक एम है वो है 54 लाइक का, तो फिर प्लीज़ इसे पूरा करा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, काफ़ी से रहेगा। और भाई उन 10 SUVs में से मेरे को तो 4 का नाम पता है, टाटा सफारी EV, टाटा हैरियर EV, टाटा कर्व EV एंड टाटा सीरिया EV। अब 6 और हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है और क्लियर भी नहीं है कि 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनकी SUVs होंगी या फिर 4x4 होंगी। 10 में से अराउंड 5 या 6 गाड़ियां ही SUVs होने वाली हैं, और उन 5-6 में से भी अराउंड 3 या 4 गाड़ियां ही 4x4 के साथ आएंगी, जिसमें से 3 तो कंफर्म है जो कि 4x4 के साथ आएंगी, सीरिया, हैरियर EV एंड सफारी EV। एंड टाटा का प्लान कुछ ऐसा है कि वो लोग हर साल 2-2 गाड़ियां लॉन्च करेंगे, यानी कि 2023 में 2, 24 में भी 2 और 26 में 6, यानी कि 2026 मेगा ईयर होने वाला है। क्योंकि भाई वहां पर भी आप लोग सोचो, महिंद्रा भी अपनी बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने वाला है, एंड टाटा भी अपनी 10 कर देगा, और कुछ इधर उधर के ब्रांड हैं जो कि और इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर देंगे, तो फिर सारा जमाना EVs का दीवाना ही रहेगा। एंड मैं तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपके फीलिंग क्या है इसके लिए कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। एंड हाँ भाई, एक चीज़ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट लगी, टाटा हैरियर एंड सफारी डीजल के अंदर 4x4 देते तो फिर मज़ा कुछ अलग रहता, क्योंकि भाई हम लोगों ने अभी तक 4x4 पर डीजल के अंदर यूज़ किया है। और एक चीज़ और सोचो भाई, नॉर्मल वाली टाटा हैरियर अराउंड 22-23 लाख तक की आती है ना, लेकिन जब हैरियर के अंदर इलेक्ट्रिक आएगा तब तो वो अराउंड 30 लाख की हो जाएगी, और ऊपर से 4x4 आएगा तब तो अराउंड वो 32-33 लाख तक हो जाएगी, जो कि ठीक ही है, क्योंकि भाई 32 या फिर 33 लाख तक की ट्यूसॉन या फिर MG ZS EV आती है तो फिर अच्छा ही तो है। 30 लाख रुपए किसी चाइनीज ब्रांड को देने से अच्छा है कि 30 लाख रुपए हम लोग अपने इंडियन ब्रांड्स को दें, जो कि हमें 4x4 भी ऑफर करेंगे। सो दैट्स ग्रेट। वेल गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं फिर